अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गार्लिक पराठे की रेसिपी। ये लच्छेदार गार्लिक पराठा है, तो इसे किस तरह से बनाते हैं आइए हम रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ऑयल है, ये आधा कप मैदा है और ये एक चम्मच रवा है और ये थोड़ा सा नमक है। इन सभी चीज़ों को मिलाकर हम आटा गूंद लेंगे। अब ये है लहसुन की कुछ कलियाँ, ये 10 से 12 है और अब हम इसे कद्दूकश कर रहे हैं, यानी कि इस तरह से खींच रहे हैं। ये देखिए आटा गूंद लिए हैं। आटा हमें इस तरह से ही गूंदना है जैसे हम रोटी के लिए गूंदते हैं। ये लहसुन है जिसे हमने खींच लिए हैं और ये है घी, है देसी घी है, ये एक चम्मच है। ये थोड़ी सी कोथमीर है और ये चिल्ली फ्लेक्स है आधा चम्मच, इसमें थोड़ा सा नमक भी है। अब हम ये घी में ये सभी चीज़ें मिला देंगे। ये लहसुन है, ये चिल्ली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक डाल दिए और ये कोथमीर। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी की जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी लोइयाँ बना लेंगे। ये दो लोई हमने इसकी बना लिए। हम इसे सूखा आटा लगाएंगे और इस तरह से बेल लेंगे। इसे हमें अच्छा पतला बेलना है। ये देखिए ये इस तरह से पतला दिखना चाहिए। अब हम इसके अंदर ये फिलिंग लगा लेंगे। सब तरफ से घुमाते हुए हम ये लगाएंगे। ये एक चम्मच ही है और इससे ज़्यादा नहीं लेना, ये सब पूरे पराठे पर लग जाएंगी। अब हम इसके ऊपर सूखा आटा भुरभुराएंगे और इसे हम लंबाई में इस तरह कट कर देंगे। इसे थोड़ा सा हम खींचेंगे और इसे गोल गोल इसे फोल्ड करते जाएंगे। सभी लेयर्स को हम इसी तरह से खींचते हुए एक के ऊपर एक फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से सभी लेयर को हमने लपेट लिए हैं और अब हम इसे 2 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम इसे बेलेंगे। ये सूखा आटा लगा लिए हैं और अब हम इसे हल्के हाथों से बेल रहे हैं। ये देखिए इसके ऊपर कैसे लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, राउंड राउंड। अब हम इसे जब 2 बार बेलेंगे तो हमें इसे इस तरह से इतना मोटा रखना है। तवा गरम करने के लिए हमने रख दिए थे, अब ये तवा गरम हो गया है। हम इस पे पराठा डालेंगे और इसे हमें धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट तक सेकना है। फुल फ्लेम पे नहीं सेकेंगे, कम पर सेकने से ही अंदर तक अच्छे से पक जाएगा। इसे उलट 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 करते हुए हम ऐसा धीमी आंच पे ही सेकेंगे। ये देखिए। तो आपको मेरा ये गार्लिक पराठा रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप किस तरह से ये रेसिपी बनाते हैं आपकी रेसिपी भी मेरे साथ शेयर करिए। मेरी ये वीडियो कैसे लगी आपको, इसे लाइक कर दीजिए। और मेरे आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमने इस पे 1.5 चम्मच ऑयल भी डाले थे और ये देखिए कितनी अच्छी लेयर भी निकल आई है इसकी। और इस तरह से हम इसे दोनों तरफ से पलटाते हुए क्रिस्पी गोल्डन कलर आने तक पकाते रहेंगे। और ये हमारा 4 मिनट में हमारा एक गार्लिक पराठा बनके तैयार हो जाएगा। आप इसे अचार, केचप और बटर के साथ सर्व कीजिए। बच्चों को टिफ़िन पर भी आप ये पराठा दे सकते हैं, बच्चे बहुत शौक़ से इसे केचप के साथ खाते हैं। तो इस तरह से मेरी ये रेसिपी बनके तैयार है। आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।